बच्चों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये फैक्टर से रिलेटेड है, ये मल्टीपल से रिलेटेड है। ठीक, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। आज मैं एचसीएफ आपको तीन मेथड से सिखाएंगे। तो पहला जो है आपका कॉमन फैक्टर मेथड है। पहला कौन सा मेथड मैं जो बता रहा हूं, कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर फैक्टर मेथड से एचसीएफ। एग्जाम्पल लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये 20 और 30 दो एग्जाम्पल मैंने ले लिए कॉमन फैक्टर मेथड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर के लिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फैक्टर और मल्टीपल क्या क्या होते हैं। जैसे 3 × 4 = होता है 12। तो 3 4 क्या हो गया, फैक्टर हो गए। कौन से नंबर का, 12 का। 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 3 4। लेकिन ये 12 क्या है, 3 और 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको फाइंड करेंगे। आप रफ वर्क में 20 को देखिए, 1 × 20 = कितना होता है, 20। यानी 1 और 20 दोनों फैक्टर हो जाएंगे किसके, 20 के। 2 × 10 = क्या होता है, 20। मीन्स 2 और 10 दोनों फैक्टर 20 के हो गए। अब 3 से डिविजिबल नहीं है 20, 4 से करेंगे। 4 × 5 = 20, मीन्स 4 और 5 भी आपके फैक्टर हो गए किसके, 20 के। तो फैक्टर ऑफ 20 कितने हो गए, फैक्टर्स ऑफ 20, 20 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 4, 1 2 4, 5 10 20, 5 10 and 20। अब 30 के फैक्टर निकालिए, 1 × 30 = 30 होता है, 1 और 30 दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब 2 × 15, 15 × 30 होता है, 2 × 15 = 30 होता है, 2 और 15 दोनों 30, ये जो है 30 के फैक्टर हो जाएंगे। आपसे नहीं बनता तो आप 30 को ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, आप 30 को डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, 2 1 2, 1 आया, 2 5 10। देखिए 2 और 15 दोनों फैक्टर हो गए, 2 5 2 5 10, ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां 2 से हो गया 3 से, 3 × 10, 3 × 10 = 30 होता है, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, 5 6 = 30। तो 30 का फैक्टर, ये आप रफ वर्क में करेंगे, अब यहां पे आपको फेयर वर्क में करने की जरूरत नहीं है इसको। तो अब यहां पे देखिए फैक्टर्स ऑफ 30 कितना हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 5, 1 2 3 5, 6 10 15, 6 10 15 and 30, ये हो गया फैक्टर निकल आया दोनों का। अब क्या निकालेंगे, दोनों फैक्टर में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो ये देखिए कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे 1, देखिए दोनों में है, ये 1 कॉमन फैक्टर्स हो गया, 2 देखिए दोनों में है, ये 2 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 4 नहीं है, 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 5 है दोनों में, ये 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 10 ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखिए कॉमन फैक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये लोवेस्ट फैक्टर हो गया, ये हाईएस्ट फैक्टर हो गया, तो ये हाईएस्ट फैक्टर ही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10। मतलब 20 और 30 का एचसीएफ 10 आएगा। ये कॉमन फैक्टर मेथड से मैंने आपको ये बताया, आप और एग्जाम्पल लेके आप अपने से प्रयास करिएगा।
दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से यहां पे देखिएगा, ईओआई एग्जांपल लेते हैं, 20 और 30 ही लेते हैं, क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टर निकालिए, 20 को देखिए, प्राइम फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी, तो डिविजिबिलिटी को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी नंबर आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन से नंबर से डिविजिबल है। यहां पे यूनिट प्लेस जीरो है, ये नंबर टू से डिविजिबल है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे देखिए, टू से डिवाइड करेंगे, टू 20 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 वन जा 2, ये 0 हो गया, 0 यहां पे आएगा, 2 0 जा 0, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह से 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये आपके 20 के फैक्टर हो गए। 30 का निकाल लीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 होता है, फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो फैक्टर ऑफ, देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 20 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 20, 20 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए HCF जो दोनों में कॉमन होगा, ये देखिए ये और ये कॉमन है, देखिए दोनों में है, तो 2 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा HCF, तो 5 का कितना होता है 10, तो 20 और 30 का HCF कितना हो जाएगा, 20 और 30 का HCF कितना आएगा 10। ये मैंने कौन से मेथड से लगाया, प्राइम फैक्टर मेथड से। अब जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड थर्ड नंबर है। अभी हम एचसीएफ ही फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा, एलसीएफ नहीं लगा रहे अभी, एचसीएफ ही फाइंड कर रहा हूं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये होता है कि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो न हो जाए, और जिस नंबर से डिवाइड होगा वही आपका एचसीएफ होगा। हम एग्जांपल वही नंबर लेते हैं, 20 और 30, क्योंकि आपको पता है 20 और 30 का एचसीएफ 10 आएगा, तो कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से 10 हम देखते हैं कि आता है 10 की नहीं। तो ये आपका एग्जांपल अभी यही लीजिए, 20 एंड 30, ठीक है। अब दोनों में देखिए, सबसे पहले कंपेयर करिए बड़ी संख्या कौन सी है, ये बड़ी संख्या है, इस नंबर को 30 हमारा बड़ा नंबर है, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 30 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 वन जा 20 0, 3 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ये आपका जो है ये रिमाइंडर है, और ये आपका क्या है, डिवाइडर है। तो ये जो है 20 को आप यहां पर रखेंगे, ये जो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था डिवाइजर को, तो डिवाइजर कहां पर रहेंगे, यहां पे रखेंगे। तो डिवाइजर जो अब यहां पे इस नंबर से डिवाइड करेंगे, इसके रिमाइंडर से, तो 10 टू जा 20, ये देखिए आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा एचसीएफ ये नंबर होगा 10, क्यों, 10 से मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 0 हो गया। तो एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये आपका एचसीएफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ होगा जिस नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल है। अच्छा, मैंने इसमें दो नंबर लिया, अगर मान लिए थ्री डिजिट हो, डिजिट 3 हो, 4 हो, तो कैसे लगाएंगे, इसको भी देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। हम यही नंबर रखते हैं, इनमें से एक नंबर और जोड़ लेते हैं, 50, कोई भी एक नंबर रख लीजिए, मैंने ऐसे 50 ऐसे रख लिया। अब देखिए थ्री डिजिट है, इसमें कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, इसके लिए
आप कोई भी पहले दो नंबर को आप डिवाइड करिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से, आप 50 और 30 को भी ले सकते हैं, आप 50 30 को इकट्ठा आप डिवाइड कर सकते हैं, 30 और 20 को इकट्ठा, जैसे आपने पहले पहले आपको देखिए 20 और 30 का पहले फाइंड एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, या फिर 30 और 50 का पहले एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, या कि 50 और 20 का पहले एचसीएफ आप फाइंड कर लीजिए, किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ पहले आप फाइंड कर लीजिए, और जो एचसीएफ मिलेगा वो थर्ड नंबर से आप उसको थर्ड नंबर को आप डिवाइड करिए एचसीएफ वाले नंबर से। चलिए देखते हैं, मैं यहां पर इन दो नंबरों को ले रहा हूं 50 और 20 को, तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 20 एंड 50, 20 और 50 का एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो 50 को आप डिवाइड करिए किससे, 20 से, 22 जा 40, ये आपका 1 आ गया, ये 10 आया। अब इस 20 को आप यहां पे रखिए, 10 टू जा 20, देखिए पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब हमारा देखिए 20 और 50 का एचसीएफ कितना आया, 20 और 50 का एचसीएफ कितना आया 10, ये एचसीएफ ऑफ 20 एंड 50 इक्वल टू कितना आया 10। अब इस अब जो नंबर बचा है ये 30 बचा है ना, तो अब आप यहां पे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 30 और 10 के बीच में, अब इन दोनों की लिखने की जरूरत नहीं है, तो 30 और 10 के बीच में आप एचसीएफ निकालिए, यहां पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 30 एंड 10, ये एचसीएफ वाला नंबर यहां पे रखेंगे, तो 30 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे 10 से, 10 थ्री जा 30, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, मतलब 30 और 10, 30 और 10 का भी जो है एचसीएफ क्या होगा 10 ही होगा। तो अब इन तीनों का एचसीएफ क्या मिला, इन तीनों का, इन दोनों का एचसीएफ 10 था और 30 और 10 का भी एचसीएफ 10 ही है, मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 20 30 एंड 50 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अगर डिजिट चार रह गई इसी तरह से आपको लगाना है, पहले इन दोनों को लगा लीजिए, कोई भी आप ऐसे कोई भी दो नंबर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते जाइए, जो एचसीएफ है उससे डिवाइड करते जाइए नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम, एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए इसमें एलसीएम के लिए पहले हम कॉमन मल्टीपल मेथड से, कौन के किस मेथड से, कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड से आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल एज आपके टेबल जैसे होते हैं, तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2 6, ये छोटे छोटे नंबर लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 2, क्या निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 2 12 जा 24, बस इतने निकालते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 6 निकालते हैं, क्या निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का मल्टीपल निकालते हैं देखते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ये हमने मल्टीपल निकाल लिया 2 के। अभी बहुत सारे आप चाहे तो डॉट 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 करके, जब तक आपको कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए तब तक आप इसको आप मल्टीप्लाई निकालते जाएंगे 2 के भी 6 के भी जितने चाहे कोई भी नंबर दिया रहे। तो अब यहां पे हम क्या, हमको तो कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, इसमें कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हम इतने ही कर रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया, देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है, तो पहला देखिए ये 6 कॉमन हो गया, फिर 6 का नेक्स्ट देखिए कौन सा नंबर है 12,
ये कॉमन है। फिर नेक्स्ट 18 देखिए दोनों में कॉमन है। फिर नेक्स्ट 24 24, ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल हो गए। ठीक है, ये भी मल्टीपल है, 2 और 6 दोनों का मल्टीपल है 6, 2 और 6 दोनों का मल्टीपल 12, 2 और 6 दोनों का मल्टीपल 18, 2 और 6 दोनों का मल्टीपल 24। बट जो हमारा एलसीएम होता है वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको कौन सा नंबर मिलेगा, देखिए इसको ध्यान से, ये कौन सा नंबर है, 6। तो ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन मल्टीपल्स हैं, पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, 6 है, जो आपका यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? चलिए, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब हम आपको बता रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला मेथड था। दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना। इस बार हम आपको एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए कौन सा नंबर लेते हैं, 20 और 30 ही ले लेते हैं। कौन सा, 20 एंड 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, इसमें जैसे आपने एचसीएफ फाइंड करते समय प्राइम फैक्टर निकाला था ना, उसी तरह से आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 20 को प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 30 को देखिए, ये भी 2 से डिविजिबल, ये मैंने बता चुका है इसलिए थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर रहा हूं। 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा 5 आएगा, एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहां पे 20 के क्या फैक्टर हो गए, 2 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर हो गए 20 के। 30 के देखिए, 30 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30, 20 और 30 के बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए ये कॉमन हो गया 2 और 5, तो क्या हो जाएगा, 2 और 5। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कॉमन फैक्टर तो हो गया। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर हो गए, अब जो बचे हैं, अब ये 2 और 3 ये बचा हुआ है ना, ये रेस्ट ऑफ फैक्टर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, रेस्ट ऑफ फैक्टर्स। तो आप रेस्ट ऑफ फैक्टर्स ये बचे हुए हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ फैक्टर के नाम से इनको आप लिख लीजिए 2 × 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर आप पहले अलग कर लीजिए, फिर जो बचे हैं रेस्ट ऑफ फैक्टर अलग कर लीजिए, और इन सबको इकट्ठा एलसीएम बन जाएगा आपका। एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा, 2 × 5 × 2 × 3, ये कॉमन फैक्टर आपके आ गए, और ये रेस्ट ऑफ फैक्टर ये भी आ गए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 जा कितना होता है, 10 10 2 जा 20, और 23 जा 60। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एक होता है डिवीजन मेथड। एलसीएम का ज्यादातर यही जो है फार्मूला, जो कंपटीशन में आपको ज्यादा जल्दी हो सकता है, तो वो डिवीजन मेथड से ही है, जल्दी से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं दोनों को एक साथ। डिवीजन मेथड में क्या होता है, ये थर्ड जो है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में जैसे मान लीजिए, चलिए ये 30 हो गया, ये 20 हो गया,
एग्जाम्पल मैंने यही लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया, तो 30 और 20 दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टर ही निकालेंगे। तो 2 से निकालेंगे, पहले 2 से, तो 2 15 या 30 होता है, 2 10 या 20 होता है। अब ये 15 2 से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन 10 तो डिविजिबल है 2 से, अगेन आप 2 से ही आप डिवाइड करेंगे। ये नहीं डिवाइड हो रहा, कोई बात नहीं, हम इसको पूरा पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, 2 5 या 10। अब ये 5 से डिविजिबल है, ठीक, लेकिन इससे पहले ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है, तो पहले इसको 3 से ही आप डिवाइड करेंगे, 3 5 या 15, और ये 5 डिविजिबल नहीं है, तो पूरा पूरा लिखते जाएंगे। अब लास्ट में 5 1 जा 5 1 जा, ये भी डिविजिबल हो गए। तो एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। तो ये 30 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60 आ गया, ठीक। ये हो गया डिवीजन मेथड से। चलिए अब जो है मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट सिखाने जा रहा हूं, एलसीएम और एचसीएफ में आपस में कनेक्शन क्या होता है। जैसे देखिएगा, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यहां पे ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिया 20 और 30, ठीक है, 20 एंड 30, इनमें आपस में क्या कनेक्शन होता है ना, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये एक नंबर 20, एक नंबर 30, तो इसको आप फर्स्ट नंबर दे दीजिए, क्या फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका 20, सेकंड नंबर आपका हो गया 30, ठीक है। अब पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले 20 और 30 का HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 20 एंड 30, ठीक है। मैंने कई बार अभी मैंने निकाला है, तो आप जानते हैं 20 और 30 का ये रफ वर्क में आप निकालेंगे HCF, इसको यहां पे फाइंड करने की जरूरत नहीं। कभी ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको सॉल्व करना पड़े तो इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया था अभी 20 और 30 का HCF अभी मैंने सॉल्व किया, तो क्या आएगा, 10। HCF कितना आएगा, 10 मैंने सॉल्व किया है। LCM कितना आएगा, LCM ऑफ 20 एंड 30 इक्वल टू, इन दोनों का LCM मैंने अभी भी फाइंड किया था, कितना आया था, 60। अब ये दोनों आपस में रिलेशन इनका क्या है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, मतलब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 20, सेकंड नंबर 30, HCF कितना है, 10, LCM कितना है, 60, तो 3 2 6 00, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 600 ही आएगा, और 6 देखिए 60 10 600, ये दोनों इक्वल हैं, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा ये रिलेशन जो है वेरीफाई हो रहा है। क्या वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाइड क्या हो रहा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और LCM HCF और LCM का प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो क्या है, यदि मान लीजिए मुझे ये पता है थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पर इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल के तौर पर ये दो नंबर दिए गए हैं, LCM दे दिया गया है, LCM दिया है मुझे 60, क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, LCM इतना है, अब आपको HCF फाइंड करना है, तो आप HCF फार्मूले से नहीं, इस ये जो फार्मूला जो मैंने बताया था, ये कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर, पहले एक फार्मूला नोट कर लिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले इसमें तो अगर यहां पे फर्स्ट नंबर आपका कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM
इंटू एच सी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, एच सी एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एच सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने अभी तक शायद ये चीज ना ध्यान दिया होगा ट्रांसपोजिंग मेथड से, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहां पे कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, इस फार्मूले को पहला तो ये फार्मूला ही है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा फार्मूला है, मान लीजिए मुझे एच सी एफ निकालना है, क्या एच सी एफ अगर निकालना है तो यहां पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान क्या हो जाएगा, एल सी एम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान एल सी एम, ये फार्मूला है। इससे आप ट्रांसफर करके कोई भी मेथड आप बना सकते हैं, फिर भी मैं यहां पे आपको सहजता के लिए, आपको सरल लगे इसलिए मैं खुद बना के यहां पे दे रहा हूं। अब आपको मान लीजिए एलसीएम फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एच सी एफ, ठीक है। यहां पे फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकेंड नंबर दिया रहेगा और एच सी एफ दिया रहेगा, और इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। मान लीजिए एलसीएम दिया है, एच सी एफ दिया है और एक नंबर भी दे दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, उसके लिए क्या फार्मूला, ये भी देख लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, सपोज दैट फर्स्ट नंबर दिया गया है तो सेकंड नंबर मुझे निकालना है, सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। इन मेथड से आप कोई भी, आप जो है एलसीएम नंबर दिया गया है तो आप एक यूनिट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे हमको क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकंड नंबर दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, हमको एचसीएफ फाइंड करना है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या है 20, सेकंड नंबर 30, एलसीएम क्या दिया गया है 60, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लिए, 30 वन जा 32 जा 2 वन जा 2 10 जा, ये देखिए एचसीएफ क्या आपका हो जाएगा 10, एचसीएफ कितना हो जाएगा 10। और एक बात और, जब एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या है वो बात, वो ये है, यदि मान लीजिए एलसीएम हमारा दिया गया है 60, ठीक है, एचसीएफ हमारा आया 10, ठीक है। यदि कहीं क्वेश्चन बनता है कि क्या ये दोनों पॉसिबल है, एलसीएम 60 हो, एचसीएफ 20 हो, सॉरी एचसीएफ 10 हो, तो क्या ये पॉसिबल है, यदि पॉसिबल है तो रीजन बताइए, पॉसिबल नहीं है तब भी रीजन बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वे आप ये चीज आप जरूर ध्यान देंगे, एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, एलसीएम नंबर बड़ा रहेगा तो एचसीएफ का मल्टीपल होगा, और एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर होगा, क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब 60 का ये 10 फैक्टर होगा। अब फैक्टर कोई किसी भी नंबर का फैक्टर है, मल्टीपल है, तो हम डिवीजन के थ्रू निकालते हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए मैंने 60 को 10 से डिवाइड किया, 10 6 जा 60, देखिए पूरा डिवाइड रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये 10 जो है फैक्टर है इसका 60 का, मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता ही है, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होगा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहां पे मैंने 7 लिख दिया, यहां पे मैंने 7 लिख, सपोज दैट क्वेश्चन में दे दिया कि एलसीएम आपका 60 है, एचसीएफ 7 है, तो क्या ये पॉसिबल है, अभी मैंने जो 10 लिखा था तो 10 में तो पॉसिबल था, यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज इसको आप लिखना चाहिए आंसर में, मान लीजिए आपने 60 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 6 जा 60, ये देखिए ये डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो
अगर पूछा रीजन दो तो क्या बोलेंगे, क्या 10, देखिए 10 यहां 60 और 10, 60 एज एलसीएम 10 एज एचसीएफ, क्या पॉसिबल है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता तो आप लिख सकते हैं यस, बिकॉज एलसीएम 60 हो सकता है, 10 एचसीएफ 60, 10 जो है एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड करने पर क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, बिकॉज 10 इज ए फैक्टर ऑफ 60, 10 जो है 60 का फैक्टर है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। अब यही पे हमने मान लीजिए एचसीएफ मैंने 7 लिख दिया, एलसीएम तो हमारा 60 ही है, एचसीएफ हमारा क्या हो गया 7 हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है एलसीएम 60 रहेगा एचसीएफ 7 रहेगा, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 7 से, 7 8 56, ये हमने देखा रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 4 आ गया, मतलब ये है 7 फैक्टर नहीं है किसका 60 का, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब 60 अगर एलसीएम है तो एचसीएफ कभी भी 7 नहीं हो सकता, मतलब क्या है एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होता है बट इसमें फैक्टर नहीं है, तो अगर आप एलसीएम आप 60 ले रहे हो तो एचसीएफ आपका 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे नो, बिकॉज 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 60, मतलब आप 60 एलसीएम एचसीएफ 7 ये पॉसिबल नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कुछ अपने से एग्जांपल लेके सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम आपको और कुछ नया सा लेके आएंगे, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।